मोदी सरकार मंगलवार आज यानी दूसरे कार्यकाल में पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। चूंकि चंद महीने बाद लोकसभा चुनाव है और संख्या बल की दृष्टि से सरकार को कोई खतरा नहीं, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा चुनावी होगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता ऐसे समय में बहाल हुई जब मंगलवार को संसद में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मणिपुर में आदिवासियों का समूह इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा, जिसमें एक अलग राजनीतिक प्रशासन 3 मई से जाति हिंसा में मारे गए कुकी जो समुदाय के सदस्यों को चूड़ाचांदपुर जिले में सामूहिक दफन करना शामिल है। ITLF के सचिव मुआन टॉम्बिंग ने बताया कि गृहमंत्री से बातचीत करेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में मंगलवार को ज्ञानवापी से जुड़े ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर की तरफ से दाखिल वाद सुनवाई होगी। इस वाद में ज्ञानवापी का मालिकाना हक हिंदुओं के पक्ष में घोषित करने और उस स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग की मांग की गई है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार बलूचिस्तान के पंजगूर जिले में एक वाहन पर घात लगाकर हमला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर अंदर सुमेरो का कहना है कि बलागातार UC के चेयरमैन इश्तियाक याकूब कुछ लोगों के साथ शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। गाड़ी में एक रिमोट विस्फोटक उपकरण लगा हुआ था। गाड़ी जैसे बलागातार इलाके के चक्कर बाजार पहुंची वहीं से ही ब्लास्ट हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। चंद्रयान 3 अच्छी दिशा में है और चंद्रमा पर उतरने के लिए अहम चरण की ओर बढ़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सोमवार को बताया कि यान को चंद्रमा पर 100 किलोमीटर के परिक्रमा के पथ से सतह की ओर लाना बेहद नाजुक चरण होगा। टमाटर और अन्य सब्जियों की बढ़ती कीमतों का असर लोगों की थाली पर पड़ने लगा है। शाकाहारी और मांसाहारी थालियों की कीमतें लगातार 3rd महीने बढ़ी हैं। कृषि की एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में शाकाहारी थाली 28% महंगी हो गई, मांसाहारी थाली के दाम 11% बढ़ गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। दोनों देशों के बीच इस जंग को शांत कराने के लिए कई देश प्रयासरत हैं। इसी क्रम में सऊदी अरब के जद्दाह में रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने पर चर्चा चल रही, बावजूद इसके दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले भी कर रहे हैं। इस बीच सामने आया कि पूर्वी यूक्रेन के शहर पोक्रोवस्क में रूस ने मिसाइल के हमले किए हैं। शहर की एक आवासीय इमारत को निशाना बनाकर किए गए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दुनिया भर की निगाहें में भारत के मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर रूस एक बार फिर अपने मिशन मून को लॉन्च करने की तैयारी में। रूस करीब 50 सालों के बाद ऐसा कदम उठा रहा है। एक रूसी अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई सालों की देरी के बाद हम इस सप्ताह शुक्रवार यानी कि 11 अगस्त को चांद के लिए अपने मून मिशन लूना 25 को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने भी इसकी पुष्टि की है। इससे पहले रोस्कोसमोस की तरफ से लूना 24 1976 में लॉन्च किया गया था। हरियाणा में लिपिकों की 1 माह से भी अधिक समय से चल रही हड़ताल और पटवारियों की ओर से अतिरिक्त कार्य छोड़ने के आंदोलन के बीच अब स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा वर्कर्स भी 3 दिन की हड़ताल पर जा रही हैं। मंगलवार को 8 से 10 अगस्त तक वर्कर्स अपने मानदेय से अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। सोमवार को पंचकूला में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद बुलाई गई बैठक में अधिकारियों के रवैये से खफा होकर के वर्कर्स ने पूर्व नियोजित आंदोलन के तहत हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसाग्रस्त मणिपुर में पीड़ितों की राहत और उनके पुनर्वास और हर जाने की निगरानी के लिए हाईकोर्ट की 3 महिला जजों की एक समिति बनाई है। यह समिति वहां की स्थितियों का आकलन कर सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। शीर्ष अदालत समग्र स्थिति की निगरानी भी करेगी। VideoDayS.com अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।